हेलो दिस इज रोहित कुमार टुडे आई हैव कम विद न्यू नदर लवली स्टोरी सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ मदर्स लव एंड एज वी नो वी कांट फॉरगेट आवर आर लव सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द स्टोरी सो टुडेस आर स्टोरी नेम इज अ मदर्स लव आज की हमारी कहानी का नाम है एक माँ का प्यार महुआ इज अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपु रिवर महुआ एक छोटा सा गांव है जो पुनपु नदी के किनारे बसा है गाइज यहाँ पे बैंक का मतलब किनारा है रिवर मिस नदी होता है एयर लिव्ड अ पुअर विडो जहाँ एक गरीब विधवा औरत रहती थी गाइज विडो मिस होता है विधवा विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो हर नेम वॉज सीता उसका नाम सीता था सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन उसे केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम रतन था सीता वॉज वेरी पुअर सीता बहुत ही गरीब थी बट सी लव्ड हर सन वेरी मच लेकिन वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी सी वांेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बने सी यू टू वर्क एज अ हाउस मेट व एक घरेलू दाई का काम किया करती थी गाइज हाउस मेट मीस होता है घरेलू दाई जो किसी के घरों में जाकर काम किया करती हैं जैसे कि पोछा मारना झाड़ू मारना एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर backyard टू pay फॉर हर son's studies. और वो घर के आंगन में सब्जियाँ उगाया करती थी जिसे वो बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई में लगाती थी गाइज बैकयार्ड में सोता है आंगन या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो घर के पीछे खाली जगह होता है उसी को हम बैकयार्ड बोलते हैं इट वॉज़ अ हार्ड वर्क यह बहुत ही कठिन परिश्रम था बट सी नेवर कंप्लेंट लेकिन वह कभी इसकी शिकायत नहीं करती थी गाइज कंप्लेंट मिस होता है शिकायत करना एंड हार्डवर्क मिस होता है कठिन परिश्रम करना रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज लेकिन रतन का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था ही लेफ्ट स्कूल मिडवे उसने बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी मिडवे मिस गाइज होता है बीच में सीता वाज वेरी सेड सीता बहुत ही दुखी थी सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी सी सोल्ड देम एंड ओपेंड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन और उन चूड़ियों को उसने बेचकर रतन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी गाइज यहाँ पे शॉप मिस होता है दुकान बैंगल में सोता है चूड़ी रतन वाज गुड एट बिजनेस रतन बिजनेस में बहुत ही अच्छा था एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज और समान तौर पर यूज होने वाली वस्तुओं को बेचा करता था ग्रेजुअली ही वाज़ एबल टू सेव सम मनी धीरे धीरे वह कुछ पैसे बचाने लगा वैन सीता साओ डेट हिज बिजनेस हैड ग्रोन जब सीता ने देखा कि उसका बिजनेस बहुत ही बढ़ चुका है सी गॉट ही मैरिड तब उसने रतन की शादी करवा दी रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला रतन अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था जिसका नाम बेला था बट ही स्टार्टेड निगलेटिंग हिज मदर लेकिन अब उसने अपनी माँ की ओर ध्यान देना छोड़ दिया गाय निकलने में से होता है अनदेखा करना या ध्यान ना देना सीता हेल्प तो बेला विद कुकिंग वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क सीता घरों में काम होने वाले जैसे खाना बनाना कपड़ा धोना और अन्य वर्कों में वह मदद किया करती थी आफ्टर अ ईयर बेला गैव बर्थ टू अ सन एक साल बाद बेला ने एक बच्चे को जन्म दिया सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंड सन सीता अपने पोते को पाकर बहुत ही खुश थी सी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड सेंग मैनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे वह अपने पोते को बहुत ही प्यार करती थी और उसके लिए कई सारी लोड़िया गया करती थी गाइज, डोडेन मीन्स किसी पर ज्यादा प्यार लुटाना होता है बट सीता हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाई डे लेकिन सीता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया रतन हैड नो टाइम फॉर हर रतन के पास अपनी माँ के लिए कोई समय नहीं था ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर अब वह अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता था वंश एक बार इट रैंड हैवली बहुत ही तेज बारिश हुई गाइज रैंड हैवली में सोता है मुसलधार बारिश बहुत तेज बारिश होना द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर द विलेज पुनपुन नदी का पानी गांव में प्रवेश कर गया द फ्लोड वास्ट अवे मैनी एनिमल्स ट्रीज एंड हाउसेज बाढ़ का पानी कई सारे जानवरों वृक्षों और घरों को अपने साथ बहा ले गया गाइज वास्ट अवे मीन्स होता है बहा ले जाना एंड फ्लोड मीन्स होता है बाढ़ द पीपल वर फोर्स टू लीव द विलेज लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड रतन का घर ऊंची जमीन पर था बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर लेकिन वह भी पानी से चारों ओर से घिरा था गाइज सराउंड मिस होता है चारों ओर से घिरा होना हिज शॉप वाज डैमेज एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, और उसकी दुकान भी टूट चुकी थी और उसके घर से भी छत से पानी टपक रहा था आफ्टर हिज मैरिज उसकी शादी के बाद रतन हैड गिवेन सीता अ स्मॉल कॉट हाउटसाइड द हाउस टू स्लीव रतन ने अपनी माँ को घर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनवा दी थी जिसमें वह सोया करती थी एंड ही लिव्ड इन साइड विद हिज वाइफ और वह अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर सोता था गाइज इन साइड में सोता है अंदर वन नाइट एक रात वैन ही कैम बैक टू हीज हाउस एक रात जब वह वापस अपने घर लौटा तो ही फाउंट सीता शिविरिंग उसने देखा कि सीता ठंड से काँप रही है एंड कॉफिंग और खांस भी रही है गाइज शिवरिंग मीन्स होता है कप कपाना ठंड से कप कपाना कॉफिंग मीन्स होता है खांसना बट ही रिमैनट साइलेंट लेकिन वह वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा ही वेंट इनसाइड हीज़ स्मॉल रूम व अपने छोटे से कमरे के अंदर गया एंड फाउंड डेट बेला वाज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स और वहाँ देखा कि बेला अपने बच्चे को अपनी बाहों में लपेट कर सोई हुई थी द बेड वाज वेट बिस्तरा गीला हो गया था गाइज वेट मीन्स होता है गीला सडनली इट थंडर्द एंड इट बिगेन टू रेन और अचानक ही बादल गरजने लगा और बारिश शुरू हो गई थंडर मीन्स होता है बादल का गरजना द रूप लिग्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइम छत से पानी टपकने लगा और बच्चा रोना शुरू कर दिया बेला अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी बेला तुरंत उठ गई और अपनी साड़ी से अपने बच्चे को ढक दिया गाइज कवर्ड में सोता है ढक देना हर क्लॉथ वॉर वेट उसका कपड़ा गीला हो चुका था रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग रतन को उस दिन एक अजीब सा महसूस हुआ ही वॉज moved डीपली टू सी दिस साइट और वह इसको देखते हुए गहराइयों में डूब गया दिस रिमाइंडेड his चाइल्ड days. यह दृश्य ने उसको अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी थी Guys, रिमाइंडेड means होता है याद दिलाना ही इंस्टेंटली वेंट टू his मदर वह तुरंत ही अपनी माँ के पास गया इंस्टेंटली मीन्स होता है तुरंत माँ प्लीज़ फॉर गिव मी माँ मुझे क्षमा कर दो फॉर गिव मीन्स होता है गाइज क्षमा करना आई बीन वेरी अनकाइंड टू यू मैं आपके प्रति बहुत ही निर्दयी रहा हूँ आई फॉरगट माई ड्यूटी मैं अपना कर्तव्य भूल गया था आई डोंट नो वॉट टू से मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ रतन सैड शॉबिंग रतन ने यह सिसकते हुए कहा गाइस सॉबिंग मिस होता है सिसकना जब कोई अपने दिल से रोता है ना गाइस तो ओ, उसे हम शॉबिंग कहते हैं ऑन हियरिंग रतन वॉयस बेला केम आउट ऑन टू दर रतन की आवाज़ सुनते ही बेला कमरे से बाहर ब्रांडे में आई सी साव रतन इन सीता आर्म उसने देखा कि रतन अपनी माँ के पास बैठा हुआ है बॉथ वीपिंग दोनों रो रहे थे सीता सेड डोंट क्राई माई चाइल्ड सीता ने कहा मेरे बच्चे मत रो हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन भला एक माँ अपने बेटे से कैसे गुस्सा हो सकती हैं यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ हैं एट दिस आइज वर ऑल्सो फील्ड विथ टीयर्स इस पर बेला की आंखें भी भर आई सी नियर देम वह उनके नजदीक गई एंड सेट डाउन और बैठ गई इट वॉज़ अ हैप्पी फैमिली री यूनियन इस तरह एक परिवार फिर से दोबारा खुश हो गया सो आई होप का यू विल बी लाइक इट सो शेयर विथ योर फैमिली और योर फ्रेंड एंड द सम हु नीड इट इट थैंक्स फॉर वॉचिंग